NCERT solution chapter 29 electric field and potential question for short answer. First question, the charge on a proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and that on electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Does it mean that the electron has charge 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb less than the charge of proton? तो हमें क्या बोल रहा है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो ये कितना आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आएगा। तो ऐसा बोलना सही है क्या? ओके देखो, मैथमेटिकली तो सही है क्योंकि 1.6 माइनस ऑफ माइनस 1.6 करूंगा तो 3.2 आएगा और 10 की पावर माइनस 19 आएगा, तो मैथमेटिकली तो सही है। लेकिन फिजिक्स में हम ऐसा नहीं करते क्योंकि फिजिक्स में हम बोलते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो यूनिट चार्ज होता है उसमें जो यूनिट होता है जिसको अपन क्वांटाइज करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर चार्ज को मैं बोलूं तो एन टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूंगा तो एन टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आपको जो बेसिक चार्ज है ना वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो इन बेसिक चार्ज में ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें ऐसा नहीं कर सकते इन दोनों में डिफरेंस क्या। जैसे अच्छे कर्म और बुरे कर्म में अपन ये नहीं बोल सकते अच्छा कर्म है वो बुरे का कितना टाइम है या बुरा है वो अच्छे का कितना टाइम है, ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल है और अपने अपने में ये दोनों अलग है और इंडिविजुअल है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एन टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज है तो एन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अपन ऐसा नहीं बोल सकते, ये गलत है, लेकिन मैथमेटिकली हाँ बोल सकते हैं क्योंकि डिफरेंस 3.2 इनटू 10 की पावर माइनस 19 ही आएगा। ओके नेक्स्ट, सेकंड देखो, इज देयर एनी लोअर लिमिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल प्लस एट अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो मान लो ये दो पार्टिकल है तो उन पर चार्ज Q1 Q2 है, तो इनके ऊपर फोर्स क्या आएगा, फोर्स आएगा K Q1 Q2 / R2। तो अगर हमने 1 सेंटीमीटर रखा तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रखा तो इससे कम भी फोर्स हो सकता है क्या? अगर 1 सेंटीमीटर रखता हूँ तो एक फोर्स आएगा तो उससे कम भी फोर्स हो सकता है क्या? देखो, अगर ये आर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, तो 2 सेंटीमीटर कर दो और फोर्स कम हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर कर दो और फोर्स कम हो जाएगा, यानी आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स में चेंज आ जाएगा। दूसरा और क्या बोल सकते हैं, इज देयर एनी लोअर लिमिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल। ओके, तो इन दोनों का चार्ज भी अगर आप चेंज करते हो तो भी फोर्स चेंज हो सकता है, तो चार्ज से फोर्स चेंज कर सकते हो आप और डिस्टेंस से फोर्स चेंज कर सकते हो। दूसरा, इनका मीडियम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मीडियम चेंज करके भी अपन फोर्स चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो, इज देयर एनी लोअर लिमिट टू द, हाँ नो, लिमिट चेंज कर सकते हैं अपन। ओके, तो सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, कंसिडर टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग इक्वल चार्ज एंड प्लेस एट सम डिस्टेंस, द पार्टिकल ए इज स्लाइटली डिस्प्लेस टूवर्ड बी, डज द फोर्स ऑन बी इंक्रीज एज सून एज द पार्टिकल इज ए इज डिस्प्लेस, डज द फोर्स ऑन द पार्टिकल ए इंक्रीज एज सून एज द इट इज डिस्प्लेस। ओके, तो देखो दो चार्ज है यहाँ पे, ये ए पोजिशन पे है और ये बी पोजिशन पे है, तो अगर मैं ए को डिस्प्लेस करता हूँ, ए चार्ज को मैं डिस्प्लेस करता हूँ थोड़ा सा, तो इसके ऊपर फोर्स है वो कैसे चेंज होगा, उसी टाइम पे चेंज हो जाएगा या टाइम लगेगा? देखो, पहले इसके ऊपर फोर्स क्यों है, क्योंकि इसकी इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लो ई है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई फोर्स होगा। राइट, फोर्स कितना होगा, एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई फोर्स होगा। अब देखो, जैसे ही मैं इसको, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन फॉर्मूला लिखते हैं, ई इजिकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। राइट, तो पहले अपना डिस्टेंस आर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ई था। राइट, अब क्या होगा कि आपने थोड़ा स्लाइटली इसको आगे लेके आ गए, यानी आर को कम कर दिया, आर को कम कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया तो फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लगेगा। राइट, तो फोर्स इसको लाते ही फोर्स लगने लग जाएगा या टाइम लगेगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, तो हमारे लिए तो उसी टाइम पर फोर्स दिखने लग जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये स्पीड इन्फाइनाइट तो नहीं है ना कि एकदम से हो जाए, कुछ तो टाइम लगेगा। जैसे अगर मान लो सन और अर्थ की बात करते हैं तो 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। राइट, तो ऐसे ही अगर डिस्टेंस है तो कुछ तो टाइम लगेगा, तो इंस्टेंटेनियसली तो चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ टाइम लगेगा, वो डिस्टेंस से अपन स्पीड है अपने पास, डिस्टेंस है तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इजिकल टू क्या आ जाएगा, वी इजिकल टू डी बाई टी होता है, तो टी इजिकल टू क्या आ जाएगा, डी बाई वी, डिस्टेंस निकाल देंगे, वी है स्पीड अपने पास है, तो टाइम अपने पास पता चल जाएगा कितने टाइम में फोर्स का इफेक्ट दिखेगा। ओके, तो इंस्टेंटेनियस तो नहीं होगा। ओके, फोर्थ देखते हैं, कैन अ ग्रेविटेशनल फील्ड बी एडेड वेक्टोरियली टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट टोटल फील्ड। ओके, तो ये बोला ग्रेविटेशनल फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन भी अलग अलग है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते। आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन में, अगर दो क्वांटिटी दोनों का अलग अलग डायमेंशन है तो उनको ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं 1 kg को
और 1 सेंटीमीटर को ऐड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। हाँ, मैं 1 केजी को और 5 केजी को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका डायमेंशन सेम है, बट आप 1 केजी और 1 सेंटीमीटर को ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों का डायमेंशन अलग है, इसलिए आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ओके, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है? डज द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज डिपेंड ऑन द चार्ज प्रेजेंट नियर बाय। ओके, तो मान लो एक चार्ज अपने पास ये है क्यू, ये दूसरा चार्ज ये Q1 ले लेते, Q2 ले लेते, तो मान लो यहाँ पे Q3 है, तो इस Q के ऊपर फोर्स Q1 की वजह लग रहा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स इस चार्ज से चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे इससे कुछ इफेक्ट होगा क्या इस चार्ज की वजह से, इसके ऊपर फोर्स क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, ये F21 है, इसकी वजह से फोर्स क्या आएगा, इसकी वजह से आएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो देखो, इस चार्ज की वजह से फोर्स अपना अलग ही होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स अलग होगा, हाँ इसके ऊपर देखेंगे तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट अपन ने फोर्स निकालेंगे, राइट, बट इसकी वजह से फोर्स में चेंज इस ये चार्ज कुछ नहीं ला पाएगा, इसकी वजह से ये इंडिविजुअल फोर्स दे पाएगा, तो इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो डज द फोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा नो, ये फोर्स इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसके फोर्स को, दोनों फोर्स अलग अलग है, हाँ फिर इसके ऊपर रिजल्टेंट अलग आएगा, लेकिन इन दोनों का फोर्स Q1 का और Q3 का अलग अलग फोर्स होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Why does a phonograph record attract dust particle just after clearing clean? Okay, तो जैसे मान लो कि मैं इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है, साफ करता हूँ और फिर इसको रख देता हूँ, तो ये डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ये तो बहुत बुरी बात है, साफ करने के बाद वापस गंदा हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि आप साफ करते हो ना, तो आप मान लो कपड़े से साफ करते हो, तो कपड़े से साफ करेंगे इसको, तो इसका फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी आएगी, मतलब थोड़ा हीट होगा, डेवलप होगा, और हीट डेवलप होने की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कपड़े में से, या फिर इससे पेंसिल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जिससे भी इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, आपने इसको साफ करके रखा और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये क्या होगा कि इस चार्ज होने की वजह से इसने डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर दिया। अब डस्ट पार्टिकल कैसे अट्रैक्ट हो गए, तो ये मान लो डस्ट पार्टिकल है और आपने ये चार्ज रोड लेके आ गए, ठीक है, ओके, अब इसको चार्ज, ये चार्ज है इसको आप, तो डस्ट पार्टिकल पे न्यूट्रल चार्ज होता है, लेकिन आपने इसको ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या इंडक्शन होगा, यानी ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव साइड आ जाएगा, तो जो नेगेटिव साइड आ जाएगा इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा और ये इसके ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल रहे, वाई डज द फोनोग्राफ, हाँ क्यों चिपक रहे, क्योंकि चार्ज डेवलप हो रहा है, तो रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि आपके फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हो रहा है, किसके ऊपर, फोनोग्राफ के ऊपर, तो चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या कर रहा है, वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। इन सम ओल्ड टेक्स्ट इट इज मेंशन डेट 4π लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईच यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन द व्यू ऑफ फैक्ट 4π इज नॉट एन इंटीजर। ओके, तो देखो यहाँ पे कोई चार्ज है, तो पहले अपन क्या बोलते थे कि इस ये यूनिट चार्ज है, ठीक है, तो यूनिट चार्ज यानी अपन बोल देते हैं 1 कूलम चार्ज बोल देते, तो 1 कूलम चार्ज की वजह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला ना, तो 1 कूलम बोल सकते हैं, या 1 पॉजिटिव प्रोटॉन का चार्ज भी बोल सकते हैं, अपन 1 कूलम ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस होगी ना वो 4π होगी। अब 4π इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि देखो चार्ज है ना, तो चार्ज की वजह से सभी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकलेगी, तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज है तो फील्ड लाइंस इधर भी निकलेगी, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ऐसे हर डायरेक्शन में 3D में फील्ड लाइंस होगी, यानी कि एक स्फेरिकल लाइंस निकलेगी ऐसा, ठीक है, तो ये लाइंस इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, ये सब लाइंस डायरेक्शन में लाइंस होगी। तो देखो अगर मैं 2D में देखता हूँ तो आपको 360 डिग्री दिख रहा है, राइट, 2D देखता हूँ तो 360 डिग्री दिख रहा है, लेकिन आप 3D देखोगे ना, 3D देखोगे तो एंगल आपको 2D में रेडियन में नहीं लेना होगा, एंगल आपको लेना पड़ेगा सॉलिड एंगल लेना पड़ेगा, कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल पूरा स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, 4π स्टेरेडियन, राइट, 4π होता है ना, पूरा सॉलिड का एंगल कितना होता है, 4π होता है, तो इसीलिए हमने बोला है कि हर एक स्टेरेडियन में एक लाइन निकलती है, तो टोटल लाइन कितनी निकलेगी, 4π स्टेरेडियन निकलेगी, 4π लाइन निकलेगी ना, मैं बोल रहा हूँ कि आपका जैसे मान लो ये अपन 2D लेते हैं, तो 2D में 1 डिग्री पे एक लाइन निकलती है, तो टोटल कितनी लाइन निकलेगी, 360 लाइन निकलेगी, ऐसा ही बोलेंगे ना, क्योंकि 360 डिग्री है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आपका
सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल में एंगल कितना होता है, 4 पाई स्टे रेडियन होता है, तो एक स्टे रेडियन में एक लाइन निकलेगी, तो टोटल कितनी निकलेगी, 4 पाई स्टे रेडियन निकलेगी। ठीक है, तो इसीलिए अपन पहले बोलते थे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से 4 पाई स्टे रेडियन निकलेगी, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लाइन्स इसलिए बनाते हैं, लाइन्स सिर्फ इसलिए डिनोट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो आपका चार्ज है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, क्योंकि अगर लाइन के कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जैसे मैंने एक ये बनाया और एक ये बना देता हूँ, ठीक है, अब दोनों, ये मैं Q1 बोलता हूँ, ये Q2 बोलता हूँ, तो दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, तो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, क्लियर, Q1 में फील्ड लाइन ज़्यादा है कंपेयर टू Q2, तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। बाकी 4π बोलने का रीज़न ये है कि सॉलिड एंगल होता है, जिसका एंगल कितना होता है, 4π स्टे रेडियन, इसलिए अपन बोलते हैं 4π, एक स्टे रेडियन की लाइन एक होती है, तो टोटल लाइन अपन कितनी होगी, 4π होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एट्थ क्वेश्चन क्या है, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कट ईच अदर। ओके, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट कर सकते हैं क्या, तो पहले अपन देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो, जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो मान लो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर इस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। जैसे बोलो इसके ऊपर 2 वोल्ट है, इसके ऊपर 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे कहीं पे भी मैं जाऊँ तो 2 वोल्ट मिलेगा, इसके ऊपर मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मेरे को 3 वोल्ट मिलेगा। अब दोनों एक दूसरे को कट कर देगी, तो दोनों के ऊपर कट करेगी, जहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा। अगर मैं 2 बोल देता हूँ तो इसका वो ये सरफेस इक्विपोटेंशियल रहा ही नहीं, क्योंकि उसका एक पॉइंट है जहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पॉइंट 3 वोल्ट है, तो इक्विपोटेंशियल का मतलब सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो कट नहीं कर सकते। आंसर क्या आएगा, नो, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9th, इफ अ चार्ज इज प्लेस एट रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इट्स पाथ बी अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स, डिस्कस द सिचुएशन व्हेन द लाइन ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट एंड दे आर कर्व्ड। ओके, तो अपने पास एक चार्ज है, ठीक है, चार्ज कैसा लेना है, पॉजिटिव नहीं बोला ना, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव मान लेते हैं अपन, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F=QE, और डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा F=QE, तो ये थोड़ा इधर जाएगा, वापस इसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन, वापस फोर्स वापस इधर जाएगा, तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, तो हर एक पॉइंट के ऊपर उसको फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो वो इधर ही जाएगा, ठीक है। ओके, बट अगर कर्व्ड पाथ हुआ, मान लो इस तरह से पाथ है, कर्व्ड पाथ, ठीक है, और आपका चार्ज यहाँ है, तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स क्या लगेगा, F=QE, तो वो इधर जाना चाहेगा, बट इनर्शिया की वजह से क्या है कि रुक नहीं पाएगा, क्योंकि चलने वाला चलता रहेगा जब तक कोई फोर्स ना लगे, ये अपन ने इनर्शिया में पढ़ा था, ठीक है, तो ये चलता रहेगा, और मान लो यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, तो वापस इस तरफ जाना चाहेगा, वो चलता हुआ थोड़ा और आगे पहुँच गया, फिर वापस इधर जाया लग जाए, लेकिन लाइन के अलोंग तो नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस लाइन के अलोंग तो नहीं गया ना, यहाँ पे दूसरी लाइन होगी, उसके अलोंग चला गया, फिर तीसरी लाइन के अलोंग चला गया, फिर चौथी लाइन के अलोंग चला गया, बट जो पहली लाइन है उसको तो इसने फॉलो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या, जब स्ट्रेट लाइन था तो उसने पहली लाइन को फॉलो किया था, राइट, यहाँ पे पहली लाइन को फॉलो नहीं किया, तो अपना क्वेश्चन क्या था, पाथ अलोंग द लाइन, ओके, स्ट्रेट होगा तो अलोंग द लाइन जाएगा, सिचुएशन व्हेन द स्ट्रेट एंड कर्व्ड, तो स्ट्रेट होगा तो अपना क्या है, अलोंग द लाइन जाएगा, और स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व्ड होगा तो अलोंग द लाइन नहीं जाएगा, उस इंस्टेंट पे जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, क्लियर। जैसे मान लो यहाँ पे आपका चार्ज है, तो इस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो आपका पार्टिकल इस तरफ जाना चाहेगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा, तो इस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ है, तो इस तरफ जाना चाहेगा, लेकिन जब स्ट्रेट होगा तो वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी उस लाइन को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। ओके, नेक्स्ट 10th को देखते हैं, 10th क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, वट आर द साइन ऑफ Q1 एंड Q2 इफ द लाइन आर ड्रॉन इज प्रोपोर्शन टू द चार्ज, वट इज द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, इन्होंने डायरेक्शन नहीं बनाई है, तो अपने पास ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, तो ये ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन है। ओके, तो देखो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है वो अपना चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, तो Q2 क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, और जहाँ जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है वो क्या है, नेगेटिव, तो Q1 क्या है, नेगेटिव। अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड हम कैसे बताते हैं, मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ लाइन से बताते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से मैग्नीट्यूड बता सकते हैं,
तो मैं बोलूँगी अगर क्यू टू बाई क्यू वन निकालें अपन, क्यू टू नहीं, क्यू वन बाई क्यू टू, क्यू वन बाई क्यू टू निकालें, तो मैं नंबर ऑफ लाइन क्यू वन की कितनी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः है, और क्यू टू कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स सिक्स ट्वेल्व, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, क्यू वन बाई क्यू टू आ जाएगा 1/2 या फिर 0.5 आ जाएगा। क्लियर, मैग्नीट्यूड का रेशियो, क्योंकि दोनों का साइन तो अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या आ जाएगा, 0.5 आएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द चार्ज। ए से बी लेके जा रहे हैं तो चार्ज पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्यों नहीं डिपेंड करेगा, फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज, पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, तो आपका जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल पे, क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ डिपेंड करेगा, आप ए टू बी लेके जा रहे हो तो क्यू वी बी माइनस वी ए करेगा। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी पे डिपेंड करेगा, अब ए बी से आप ऐसा लेके जाओ या फिर ऐसा लेके जाओ या फिर इधर से लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डिपेंड करेगा वर्क डन सिर्फ ए और बी के पोटेंशियल पे। क्लियर है, ओके नेक्स्ट 12 देखते हैं। इट इज सेड दैट द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल शुड बी स्मॉल स्मॉल कंपेयर टू वॉट। ओके, तो हम डायपोल की डेफिनेशन बोलते हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस किसके कंपेयर में, तो देखो यहाँ पे जैसे स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस में बोल देता हूँ, ये स्मॉल डिस्टेंस ए है, तो ए किसके कंपेयर में स्मॉल होना चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक तो अलोंग द लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो यहाँ से मिड से अपन डिस्टेंस लेते हैं आर, राइट, तो ये जो आर आ रहा है ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसके कंपेयर में ये ए लेता हूँ मैं, जो ए लिख रखा है यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस, यानी डायपोल का डिस्टेंस कितना ए है, तो जो ए है शुड बी वेरी लेस देन आर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं एक्सिस के ऊपर, वो क्या लिखते हैं, के पी अपॉन आर क्यूब, राइट, के पी अपॉन आर क्यूब लिखते हैं ना, तो जो आर है ना वो मच ग्रेटर देन ए होना चाहिए, यानी ए है वो आर से बहुत छोटा होना चाहिए, किससे, आर से। यहाँ पर भी अपन यहाँ पे देखते हैं बाइसेक्टर पे, तो ई इजिकल टू क्या, सॉरी यार टू के पी रहता है, ई इजिकल टू क्या लिखते हैं, ई इजिकल टू लिखते हैं के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आर बाइसेक्टर से अपन आर डिस्टेंस लेते हैं, तो उस डिस्टेंस से, यानी जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हो उस पॉइंट, उस डिस्टेंस से ए बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आपका डायपोल के बीच में डिस्टेंस है वो ए शुड बी वेर लेस देन आर, और आर इज द पोजिशन वेर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इंसुलेटर इज ऑफ द सेम ऑर्डर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, वॉट इज देन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, तो अपने पास एक कंडक्टर है, मान लो ये आपका आयरन का रोड है, ठीक है, और एक ये मेरी पेंसिल है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसके ऊपर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसके ऊपर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, तो फिर डिफरेंस क्या है, भाई दोनों के अंदर चार्ज सेम है, इसके ऊपर भी चार्ज सेम है, इसके ऊपर भी चार्ज सेम है, फिर डिफरेंस क्या है, भाई इसको आप लगा हाथ लगाओगे तो शॉक लगेगा, इसको हाथ लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जैसे मैं रब करता हूँ तो चार्ज डेवलप हो जाएगा, और मैं उसको भी रब करता हूँ आयरन रोड को तो उसमें भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आयरन रोड में और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका आयरन है, इन दोनों को मैं रब करता हूँ, दोनों पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जैसे मैं ये लेके आया हूँ, ठीक है, तो ये लेके यहाँ पे दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए, ये लेके आया रबर लेके आया और मैंने यहाँ टच किया, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएंगे, बट इसके अंदर मैंने यहाँ टच किया है इस रबर को, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर यहाँ आ जाएंगे, यानी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ हैं वहीं रहते, फ्लो नहीं करते, क्यों फ्लो नहीं करते, क्योंकि वो टाइटली बाउंडेड होते हैं अपने एटम से, अपना पेरेंट एटम होता है उससे, वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं इंसुलेटर में, लेकिन कंडक्टर में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से टाइटली बाउंड नहीं होते, लूजली बाउंड होते, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चल सकते हैं सरफेस के ऊपर, चल सकते हैं, तो वो क्या, चल के इसके अंदर आ जाएंगे और ये
चार्ज चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसको टच करूंगा तो चार्ज नहीं होगा, इसको मैं यहाँ टच करूंगा तो चार्ज होगा, बट यहाँ टच करूंगा तो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसका चार्ज यहाँ डेवलप हुआ, इसका चार्ज भी यहाँ डेवलप हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चल सकते, तो क्या लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड विद पेरेंट एटम। ओके नेक्स्ट देखते हैं 14th लास्ट, व्हेन एन चार्ज कॉम्ब इज बोट नियर अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इट अट्रैक्ट द पीस अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ पेपर डज द पेपर बिकम चार्ज व्हेन द कॉम्ब इज बोट नियर इट। ओके तो देखो ये आपका मान लो ये अपनी पेंसिल है, इसको मैंने रब किया कपड़े से और कपड़े से रब करूंगा तो ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, पर चार्ज होगा श्योर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकलेंगे या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये चार्ज हो गया। तो जैसे मान लो ये पेंसिल है, ये आपका चार्ज हो गया, इसको अपन बोल देते हैं मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और आपने क्या किया कि स्मॉल पीस ऑफ पेपर लिए और उसके पास लेके ये पेपर के पास में लेके पेपर को टच नहीं किया, ठीक है, आपने बचपन में किया हो कभी तो स्केल को अपन सर पर रगड़ते थे या फिर पेज से रगड़ते थे, ठीक है, फिर स्केल को पास में लेके आते थे तो ये अट्रैक्ट होते थे। अभी अट्रैक्ट क्यों होते वो समझो, क्योंकि ये मान लो आपका पीस ऑफ पेपर है, मैं इसको जूम करके देखता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, अभी चार्ज क्या न्यूट्रल है ये, लेकिन जैसे ही मैं ये रोड लेके आऊंगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की, तो क्या होगा इसके अंदर इंड्यूस होगा चार्ज, ठीक है, चार्ज इंड्यूस होगा मतलब क्या होगा कि उसका चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी तो न्यूट्रल है बट इसका क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, अभी भी देखो तीन नेगेटिव तीन पॉजिटिव, यानी अभी भी न्यूट्रल ही है, बट नेगेटिव किसकी तरफ इंड्यूस हो गया, जिस तरफ आपका रोड है, जिस तरफ आपका स्केल है उसकी तरफ नेगेटिव इंड्यूस हो गया, तो क्या हुआ कि नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करने गया, तो ये अट्रैक्ट होंगे, पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, डज द पेपर बिकम चार्ज, पेपर चार्ज नहीं होगा, पेपर चार्ज नहीं होगा, पर चार्ज का ये जो नेगेटिव चार्ज एक साइड में आ जाएगा, एक साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, नेट चार्ज तो इसका जीरो ही होगा, नेट चार्ज क्या होगा पेपर का जीरो, यानी चार्ज तो नहीं होगा नो, बट अट्रैक्ट होंगे ये श्योर है, अट्रैक्ट होंगे बट चार्ज क्या होगा, चार्ज नो, चार्ज डेवलप नहीं होगा।